माय नेम इज रोहित सिंगल और आज हम अपने लेक्चर को जो अपना सेकंड लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए अपने फर्स्ट लेक्चर अपने क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पार्ट वन का सेक्शन ए कवर करना चालू कर दिया था। ठीक है, सेक्शन ए में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा पोर्शन किसका है, मेनली अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट्स अपन ने डिस्कस करी थी कि मेनली ये यूएस गैप पे बेस है, क्लियर। और अपन ने थोड़ा सा डिफरेंस समझा था आईएफआरएस और यूएस गैप में। आपको याद होगा कि आईएफआरएस जो है वो आईएएसबी इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और यूएस गैप जो है वो एफएएसबी इशू करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस, आईएफआरएस जो था वो एक प्रिंसिपल बेस अकाउंटिंग थी, बट यूएस गैप जो है वो एक रूल बेस अकाउंटिंग है। मतलब ये सब चीजें अपन को थोड़ी सी याद रखनी है। फिर अपन ने देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, टू प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग टू यूजर्स, बेटर डिसीजन मेकिंग टू यूजर्स। ठीक है, मतलब जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए, ये क्रक्स है पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव का। तो फिर अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमेशा याद रखिए कि बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो क्या बताता है, इनकम स्टेटमेंट बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या क्लियर हो गया, क्या बोला अपन ने कि बैलेंस शीट क्या बता रही है, फाइनेंशियल पोजीशन, बट इनकम स्टेटमेंट क्या बता रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, याद रखना। तो बैलेंस शीट हमेशा पोजीशन बताती है और इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है, परफॉर्मेंस। पहली बात तो अपन को ये अच्छे तरीके से याद रखनी है। फिर अपन ने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ कंपोनेंट जैसे असेट। आप बताओ असेट की कैसे डेफिनेशन दोगे आप, तो असेट मींस कि असेट के अंदर पास्ट भी था, प्रेजेंट भी था और फ्यूचर भी था। फ्यूचर कैसे था कि असेट से अपन को क्या मिलेंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रेजेंट में अपन क्या करते हैं, असेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और पास्ट असेट अराइजेस बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ सम पास्ट ट्रांजेक्शन। असेट क्यों अराइज हुई है, कोई ना कोई पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये असेट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर असेट अपन ने देखा था कितने टाइप की थी, दो टाइप की, करंट असेट और नॉन करंट असेट। व्हाट इज करंट असेट, करंट असेट मींस वो असेट जो या तो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना, या कंज्यूम हो जाए, जैसे रॉ मटेरियल है कंज्यूम हो जाता है, या फिर वो विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल क्या कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऑपरेटिंग साइकिल क्या डिस्कस किया था, एक टाइम पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम पीरियड। अब वो कहां से चालू होता है, कुछ दिन रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने में लगते हैं। ठीक है, फिर WIP, रॉ मटेरियल से WIP बनता है, फिर WIP से फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स बिकेगा, तो अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेटर जनरेट होंगे, कैश सेल है तो डायरेक्ट कैश मिल जाएगा। डेटर से क्या जनरेट होता है, कैश, और कैश से अपन क्या परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल। ये भी हो सकता है कि बीच में क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना, रॉ मटेरियल अपन क्रेडिटर से उधार भी खरीद सकते हैं। तो जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज का टाइम लगा, WIP के कन्वर्जन का टाइम लगा फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स के बिकने का टाइम लगा, डेटर के कलेक्शन का टाइम लग रहा है। ठीक है, इन सब पीरियड को अगर अपन जोड़ दें और उसमें से क्रेडिटर वाला पीरियड लेस कर दें तो जो आती है टाइम पीरियड उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्लियर, तो करंट असेट मतलब क्या होती है, वो असेट जो विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ पिछली क्लास का, 5-10 मिनट है ना। ठीक है, रिविजन आपको डेली की डेली घर पे करना है। ठीक है, और आपको अपनी जो बुक्स है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, अपन ने ये सारे टॉपिक डिस्कस करे थे, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट के अंदर कौन से अकाउंट होते हैं, परमानेंट अकाउंट। परमानेंट अकाउंट कौन से होते हैं, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। और टेम्परेरी अकाउंट बताओ कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, P&L में, और रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है।
फिर एक डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली असेट्स एंड लाइबिलिटी की। असेट्स क्या होती है? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है, और लाइबिलिटी क्या है? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक सेक्रीफाइजेस देती है। ठीक है, सेक्रीफाइजेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सेक्रीफाइस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। आप सिंपल ये कह सकते हो कि लाइबिलिटी का एक ऑब्लिगेशन है। फिर करंट असेट और नॉन करंट असेट। करंट असेट अपन ने डिस्कस कर लिया, नॉन करंट असेट अपन ने डिस्कस कर लिया। नॉन करंट असेट मतलब सिंपल वो असेट जो करंट असेट नहीं होती है। तो आपको अपन ने क्लियर कर दिया पहले से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करंट सेक्शन। अपन ने आंसर डिस्कस किया था इसका बी होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर जो पे कर देंगे डेब्ट वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। क्लियर। अब आज अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है इक्विटी। यहां से आप कह सकते हो कि अपनी फ्रेश क्लास स्टार्ट हो रही है यहां से। व्हाट इज इक्विटी? अब देखो बिल्कुल ध्यान सुनना है आपको बातें। इक्विटी मतलब होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब मालिकों का पैसा। मालिक कौन होते हैं बिजनेस में? ओनर्स। ठीक है, तो ओनर्स का खुद का फंड जो होता है वो इक्विटी होता है। इक्विटी को और क्या कह सकते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड। और क्या कह सकते हैं? नेट वर्थ और शेयर होल्डर फंड। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हो आप प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड, और आप कह सकते हो इसको, ठीक है बस इतना कह लो। एक चीज ध्यान रखना कि आप ट्वेल्थ में ना इक्विटी या ये सब है ना वर्ड्स आपने सुने हुए, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, कभी है ना इनमें कंफ्यूज मत होना। मतलब क्या है? ये सब चीजों का मतलब एक ही होता है। इन सबका मतलब क्या होता है? ओनर्स फंड। ठीक है, मालिकों का पैसा, सिंपल सी बात है। आप ऐसा भी लिख सकते हो आगे, ओनर्स फंड्स। सर इक्विटी एग्जैक्टली डेफिनेशन वाइज क्या होता है? देखो इक्विटी के अंदर डेफिनेशन वाइज आता है नॉर्मली इक्विटी शेयर्स, जिसको अपन कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। समझ में आया क्या ढंग से? तो इक्विटी मतलब क्या होता है? ये तीनों चीजों को मिला के इक्विटी कहते हैं। किस किस को? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। क्लियर क्या? तो इक्विटी के और कोई नाम क्या क्या है? प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। जब भी कभी शेयर होल्डर फंड लिखा हो तो शेयर होल्डर मतलब दोनों होते हैं, इक्विटी भी होता है और प्रेफरेंस भी होता है। मान लो मैं भी आपको कह दूं, एक आपसे एक टर्म पूछूं, व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड? ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड। तो सर इसमें क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो स्टूडेंट्स आप बताओ इसमें से क्या हट गया? इसमें से प्रेफरेंस शेयर गायब हो गए। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है? इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। और क्या होता है? और एक टर्म होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक टर्म होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आपने सुना होगा स्कूल में, आप इसको कहते हो डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी मतलब मैंने क्या बताया था? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सरप्लस। एंड डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब सिंपल लोन। ठीक है, जो अपन लोन पे करते हैं, लोन लेते हैं, वो डेब्ट होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड है। कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन अगर देनी है तो क्या दोगे? लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपको अब तीन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वापस रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या आएगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इक्विटी। और प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे?
डेब्ट। क्लियर। अगर खाली इक्विटी होगा तो इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस। और इक्विटी को और क्या नाम देते हैं, इक्विटी को बोलते हैं अपन नेटवर्थ और शेयरहोल्डर फंड, और बताओ क्या था, और ओनर्स फंड और प्रोपरेटर फंड, ठीक है। और लास्ट इज क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, उसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या नई चीज, क्या न्यू चीज आई जो इक्विटी में नहीं थी, डेब्ट, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या एक और मीनिंग क्या था, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा, ठीक है, प्योरली, और इक्विटी शेयरहोल्डर मतलब फंड, इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये आपको डिस्कशन समझ में नहीं आई तो प्लीज उसको पॉज करके आप वीडियो को वापस से सुनिए, ठीक है। तो इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी को और अपन देखो किस नाम से कह सकते हैं, इक्विटी को कह सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज। भाई देखो आप बैलेंस शीट बनाते हो, आपको मैं 11th क्लास की बैलेंस शीट याद कराता हूँ, ठीक है। आप क्या लिखते थे, कैपिटल, और क्या लिखते थे, लाइबिलिटीज, ठीक है, और क्या लिखते थे, असेट्स। अगर असेट में से लाइबिलिटी लेस कर दूंगा तो क्या बचेगी बताओ, कैपिटल, और कैपिटल ही तो एक तरीके से क्या है, इक्विटी, ओनर्स फंड, खुद का पैसा, सही है, नहीं है। तो इक्विटी इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज। फिर अब इक्विटी मतलब क्या है, जो ओन्ड बाय ओनर्स है या ओड टू ओनर्स। अच्छा ये ओड मतलब क्या होता है, ओड मतलब होता है देना है या देने हैं। अगर किसी को आपको पैसे देने तो आप क्या बोलोगे, आई ओ टू यू, इसका मतलब आप उसको पैसे दोगे, तो इसे बोलते हैं ओ करना, ओ डब्ल्यू ई। क्लियर। अब इक्विटी के कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, कैपिटल इक्विटी होती है, एपीआईसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे सर ये एपीआईसी क्या आ गया, ये नया टर्म है आपके लिए, ठीक है, ये यूएस स्पेसिफिक टर्म है, आप इसको लिख लेना कहीं पे, एडिशनल पेड अप कैपिटल। एडिशनल पेड अप कैपिटल को अपन क्या बोलते हैं, एपीआईसी। सर व्हाट इज एडिशनल पेड अप कैपिटल, देखो आपने इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ठीक है, 10 का शेयर इशू करा, कितने में, 12 में, 10 रुपीज वॉज फेयर वैल्यू या $10 वॉज फेयर वैल्यू एंड $12 वॉज इशू प्राइस, ठीक है, फेयर वैल्यू नहीं सॉरी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किसी शेयर की 10 है और अपन ने इशू कितने में किया, 12 में, तो जो 2 रुपीज सरप्लस है उसे क्या बोलेंगे अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं है, वो सिंपल क्या है, एपीआईसी, एडिशनल पेड अप कैपिटल। क्लियर क्या, तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो गया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ही तो होता है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो अपने स्कूल्स में लिखते थे, आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंट्री पास करते थे ना आप 12th में। व्हाट इज ओसीआई, ओसीआई मतलब क्या होता है, ये भी नया टर्म है आपके लिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। व्हाट इज ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान सुनना बहुत अच्छी तरीके से ना, आप लोगों के लिए बिल्कुल टर्म नया है। ओसीआई मतलब होता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ओसीआई का मीनिंग क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ओसीआई की फुल फॉर्म क्या थी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी आपको कुछ दिन तक सब कुछ नया नया लगेगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स नए हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से इन वीडियोस को रिवाइंड करिए, दो बार सुनिए दिन में, ठीक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स मतलब क्या होते हैं, वो प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुए कैश में। सर जैसे एग्जाम्पल दो आप रिवॉल्यूशन का, आप बताओ मुझे स्टूडेंट्स के रिवॉल्यूशन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो रियलाइज प्रॉफिट होते हैं अनरियलाइज होते हैं। भाई आपने स्कूल में रिवॉल्यूशन किया है कभी, किया है ना, 10 लाख की एक बिल्डिंग है, वो कॉस्ट है उस बिल्डिंग की, आज उसकी मार्केट वैल्यू 18 लाख हो चुकी है, कितने रुपए बढ़ गए,
8 लाख वैल्यू बढ़ गई। जो 8 लाख वैल्यू बढ़ी वो क्या है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है। वो क्या है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। 10 लाख की बिल्डिंग थी बुक्स में, ठीक है, आज 18 लाख की मार्केट वैल्यू चल रही है। अगर इसको आप रिवैल्यू कर दोगे तो कितने रुपए का फायदा हो गया, 8 लाख का। तो ये 8 लाख का प्रॉफिट क्या है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है। बताओ ये रियलाइज प्रॉफिट है अनरियलाइज है। रियलाइज मतलब जो अपन को मिल चुका है, क्या ही मिल गया प्रॉफिट आपको, 10 लाख की बिल्डिंग है और 18 लाख रुपए पड़ी है आज, वो बिल्डिंग की वैल्यू बड़े बड़े हो चुकी है, तो आपको 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल चुके हैं आज, नहीं मिले ना, ये कब मिलेंगे, जब असेट बेचेंगे। तो ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है अनरियलाइज प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट को बोलते हो आप जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट, ये जाएगा बच्चों कहां पे, ये जाता है OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, वो प्रॉफिट जो कैश में अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। सर कोई और एग्जांपल दो, और एग्जांपल ले लो अभी आपको, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आएगा एग्जांपल, हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है आ भी जाए। आपने 1 लाख डॉलर के गुड्स परचेज करे, कितने रुपए के हिसाब से, 70 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। कितने की रेट हो गई भाई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 70 लाख हो गई, ठीक है। अब लेकिन ये आपने क्रेडिट में परचेज किया, उधार परचेज किया है, 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना है, आफ्टर 3 मंथ्स यू हैव टू पे। 3 महीने बाद पता लगा, लेकिन या 1 महीने बाद ही, सॉरी 3 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद पेमेंट करना है, लेकिन 1 महीना निकल गया, 1 महीने के बाद पता लगा ये डॉलर की जो रेट है वो गई 66। मतलब अगर अपन आज पेमेंट कर दें तो अपन को कितने रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, 66 लाख, सही है, समझ में आ गया भाई। आज अपन ने कोई गुड्स परचेज करे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद डॉलर की रेट कितनी हो गई, 70 से घट के 66 हो गई, कम हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि फायदा है या नहीं है भाई, आपको पहले 70 लाख पे करने चाहिए थे, अब अभी अगर आज पेमेंट कर दो तो आपको 66 लाख ही पे करने पड़ेंगे, फायदा है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट बताओ ये रियलाइज है या नहीं है, अभी सोचो, वीडियो पॉज करके आराम सोचो, ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये रियलाइज तब होगा जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे। अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, अभी तो केवल आज डॉलर की रेट 66 चल रही है, पेमेंट तो आपको 2 महीने और बाद करना है ना, टोटल 3 महीने थे, अब 1 महीना निकल चुका है, तो और 2 महीने बाद पेमेंट करना है। हो सकता है कि 2 महीने बाद पेमेंट जब अपन करें तो उस टाइम पे रेट हो जाए 62, तब पेमेंट कितना करना पड़ेगा अपन को, 62 लाख, और ओरिजिनली पेमेंट कितना करना था, 70 लाख, तो अपन को फिर टोटल कितने का फायदा हुआ, 8 लाख का, 70 की जगह अपन को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 62 का। तब अपन जब पेमेंट कर देंगे तो अपन बोलेंगे यार ये प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट कौन सा है, रियलाइज हो चुका है। लेकिन अभी ये प्रॉफिट जो था 70 से 66 4 लाख का प्रॉफिट, वो रियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, क्लियर क्या। तो बताओ एग्जांपल्स क्या थे, कैपिटल एपीआई से मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओसीआई मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट। व्हाट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। और बेस्ट एग्जांपल इज रिवॉल्यूशन प्रॉफिट एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेक्स लिखता हूं मैं, फॉरेन एक्सचेंज को अपन शॉर्ट में फॉरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग मतलब सिंपल रिजर्वेशन सरप्लस, जैसे आपका पी एंड एल का प्रॉफिट हो गया, है ना। एनसीआई, व्हाट इज एनसीआई, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एनसीआई की फुलफॉर्म क्या होती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, अब ध्यान सुनना है आपको अच्छी तरीके से। एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है वाई, आपने कभी सुना है कॉन्सेप्ट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, ऐसा सुना है, एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी, सुना है ऐसा, नहीं सुना। देखो अगर एक एक्स कंपनी है ना, उसने वाई कंपनी के मोर देन 50% शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, तो एक्स कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी, और वाई कंपनी क्या कहलाएगी,
एक्स की सब्सिडरी कंपनी। समझ में आई बात, क्या बोल रहे हैं? अगर एक्स की कंपनी ने वाई के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए तो अपन एक्स कंपनी को क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। और वाई कंपनी को क्या बोलते हैं? कि ये एक्स की सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर? मान लो अपन ने इस कंपनी के 60% शेयर परचेज कर लिए, एग्जाम्पल ले लो। तो एक्स ने वाई के कितने परसेंट शेयर ले लिए? 60%। तो बताओ एक्स होल्डिंग कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल होल्डिंग कंपनी है। लेकिन सोचो 60% शेयर वाई के एक्स ने खरीद लिए, तो बाकी 40% शेयर वाई के किसने खरीदे? वो बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स ने खरीदे होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो वो शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 40% शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे इस केस में? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी के पास 50% से ज्यादा शेयर हैं, उस कंपनी के पास क्या आ जाता है? कंट्रोल। तो होल्डिंग कंपनी के पास हमेशा सब्सिडरी कंपनी का क्या होता है? कंट्रोल होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो इंडिया में अपन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को नाम देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आपने कभी अपने ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम बीबीए के अंदर कंसोलिडेशन चैप्टर करके पढ़ाओ, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी चैप्टर करके होता है, ठीक है, तो उसमें ये टर्म यूज होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, सिंपल अगर मान लो एक एक कंपनी रिलायंस, सपोज करो अब रिलायंस ने एयरटेल कंपनी के, अगर एयरटेल कंपनी के रिलायंस ने 70% शेयर खरीद लिए तो रिलायंस क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और एयरटेल क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। और बाकी 30% जो शेयर होल्डर्स हैं एयरटेल कंपनी के, वो क्या कहलाएंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी। वट इज ट्रेजरी स्टॉक सर? ट्रेजरी स्टॉक मतलब खुद के शेयर जब कंपनी खुद ही परचेज कर लेती है, जैसे रिलायंस कंपनी ने या वॉलमार्ट ने खुद के इक्विटी शेयर्स को परचेज करके अपने पास रख लिया, तो ऐसी कंपनी, ऐसे शेयर्स को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेजरी स्टॉक्स। आप स्कूल में पढ़ते थे बायबैक, कभी नाम सुना बायबैक? बायबैक में तो क्या होता है, शेयर खरीद के कंपनी कैंसिल कर देती है। लेकिन ट्रेजरी स्टॉक्स क्या होते हैं? जब कंपनी शेयर परचेज करके अपने पास रख लेती है तो उसे बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस शीट? मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, अल्ट्रा स्लो। ठीक है। एक एक चीज समझाते समझाते ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज के अंदर। ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस शीट? फर्स्ट इज लिक्विडिटी। कल अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि किसी चीज में, किसी चीज की कैपेसिटी कि वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? कैश में कन्वर्ट करने की किसी भी चीज की एबिलिटी, कि कोई भी चीज कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल लो शेयर्स का, तो शेयर्स माने जाते हैं कि वो ज्यादा लिक्विड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैश एट बैंक, है ना, ये सब चीजें। तो किसी भी कंपनी की कितनी लिक्विडिटी है ये कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट से। लिक्विडिटी से फायदा क्या है? कल अपन ने डिस्कस किया था, अगर किसी कंपनी का लिक्विडिटी नहीं होती है तो वो कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाती। ठीक है। इवन अपन ने एक केस स्टडी देखी थी ILFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। आई होप कि आपको वो केस स्टडी याद होगी। ठीक है। व्हाट इज सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी मींस कि अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि असेट अगर किसी कंपनी की ज्यादा है उसकी लाइबिलिटी से, तो ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है। तो अपन ने देखा था कि ILFS जो थी वो कौन सी कंपनी थी? सॉल्वेंट तो थी बट उसके पास लिक्विडिटी की कमी थी, मतलब उसके पास करंट असेट एक तरीके से कम था, कैश नहीं था अभी अवेलेबल। ठीक है। फ्यूचर की असेट्स थी, लेकिन आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है जैसे ILFS थी, इनका क्या पीरियड ज्यादा होता है? गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। तो उससे फर्क क्या आता है कि इनको रिटर्न काफी लेट टाइम पे मिलता है,
धीरे धीरे मिलता है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो कहां से पता लगता है? आराम से वो इस बेसिस पे पता लग जाएगा, सॉल्वेंसी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी के बेसिस पे कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी जान सकते हैं अपन, ठीक है, कितना जल्दी वो आराम से पे कर सकती है अपनी डेब्ट को। रिस्क, अगर किसी कंपनी में डेब्ट ज्यादा है, ठीक है, तो रिस्क होगी नहीं होगी उस कंपनी में? होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि डेब्ट अगर ज्यादा है तो उसको उसको पे करने में जोर आएगा, है ना, हो सकता है ना। जैसे विजय माल्या थे, तो विजय माल्या के पास क्या ज्यादा था? डेप्थ। क्लियर? तो डेप्थ ज्यादा था तो इसलिए वो फंस गए, इसलिए वो रिस्की काम कर रहे थे बहुत सारा। रेशो कैलकुलेशन करते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा करंट रेशो, क्विक रेशो, बहुत सारे रेशोज जो हैं वो बैलेंस शीट से निकल सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, है ना, बैलेंस शीट की क्या लिमिटेशन हो सकती है? कई तरह की एसेट तो रिपोर्ट ही नहीं करते बैलेंस शीट पर, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे क्या सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स, है ना, आपके एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। एम्प्लॉइज अगर खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। तो कंपनी के अंदर ये रिसोर्स होने के बावजूद भी बैलेंस शीट के अंदर क्या है, इसको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। कई पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं कंपनी के लिए, बहुत ही बड़ी असेट होती है, ठीक है। अगर वो कंपनी के पास से चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है कंपनी को, फिर भी वो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये एक लिमिटेशन है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कई बार हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है, अपन ने सुना है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन जबकि कई चीजों की मार्केट वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू अलग होती है, ठीक है, और अपन फिर भी बैलेंस शीट किस पे बना रहे हैं? कॉस्ट पे बना रहे हैं। तो कई बार कहते हैं कि बैलेंस शीट रियलिटी से दूर होती है। बैलेंस शीट में ये दोनों पॉइंट को आप आराम से एक साथ मर्ज करके देख सकते हो। बैलेंस शीट बनाते समय बहुत सारा जजमेंट लिया जाता है। जजमेंट कैसे? जैसे आप असेट है उसकी लाइफ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आपने एक मशीन खरीदी तो मशीन की लाइफ आप मान के चल रहे हो 10 ईयर्स है, तो आप क्या कर रहे हो, मान रहे हो लाइफ कितनी है, 10 साल है। हो सकता है कि इसकी लाइफ एक्चुअल में 15 साल हो जाए, हो सकता है 5 साल ही काम करे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने माना कि असेट की लाइफ कितनी है, 10 साल, है ना, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर सही मान लिया, ठीक है। तो बताओ इसमें जजमेंट इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब असेट की अगर लाइफ आप 10 साल मान रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन पे फर्क आएगा, डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू पे फर्क आएगा, बुक वैल्यू पे। क्लियर? इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाते समय बहुत सारे जजमेंट और एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब आपने कोई क्रेडिट सेल करी 10 लाख की, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि इसमें से 2% डेटर्स पैसे नहीं देंगे वापस, तो ये क्या है, हमें लगता है शायद बैड डेब्ट हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, एस्टिमेट। क्लियर? लेकिन हो सकता है कि 2% से ज्यादा बैड डेब्ट हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 2% ही हो, या है ना, ठीक है। तो अपन ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, जजमेंट पे बेस कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट बनाते समय क्या होती है, बहुत सारी जजमेंट लेने पड़ते हैं, इसलिए बायसनेस आ जाती है। बायसनेस मतलब सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। आपने कभी टर्म्स सुने होंगे सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब विदाउट एनी बायसनेस सोचना। तो बैलेंस शीट बनाते समय अपन क्या करते हैं कि सब्जेक्टिविटी से काम करते हैं कई बार, ठीक है, खुद का पर्सनल जजमेंट क्या है बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक आपको इसका आंसर बताना है, ये सीएमए के अंदर क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्लीज रीड द वर्ड केयरफुली, ठीक है, एक्सेप्ट, नॉट, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ऑल, फ्यू, है ना, इन सब वर्ड्स को अपन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए एग्जाम में। तो बताओ भाई, बैलेंस शीट सब कामों के लिए आ सकती है, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट सब चीजें प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन क्या नहीं प्रोवाइड करेगी? रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर इवेल्युएट करने के काम आती है क्या, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए काम आएगी, और डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड असेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बताओ, सोच के बताओ आंसर क्या होगा, पॉज करो वीडियो और फिर बताओ। आंसर इज डी, सही सोचा आपने। अभी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट तो क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन।
रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाल सकते बैलेंस शीट से, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, डेप्ट है कितना, कितना इक्विटी है, उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे, लिक्विडिटी असेस करने के लिए तो पढ़ा ही था अपन ने, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, और डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते आप, परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते आप बैलेंस शीट से, क्या निकालते हो, पोजीशन। परफॉर्मेंस किससे निकालते हो, परफॉर्मेंस आप निकालते हो इनकम स्टेटमेंट से। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है भाई, अपन ने क्या पढ़ लिया बताओ, बैलेंस शीट पढ़ लिया, बैलेंस शीट के अंदर मेजर कंपोनेंट पढ़ लिया एसेट्स लाइबिलिटी एंड इक्विटी। अब अपन आ रहे हैं व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब रिजल्ट बताता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस बोल लो, लॉसेस बोल लो, इनकम बोल लो या गेन बोल लो। बैलेंस शीट एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस शो करता है। रेवेन्यू, अब ये कंपोनेंट है बैलेंस शीट के, रेवेन्यू कंपोनेंट होता है। रेवेन्यू मीन्स क्या होती है, सेल्स, ठीक है। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। ये क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। ये बता रहा है किसी भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड कब करेंगे, ठीक है। ये बता रहा है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी है आपको, बुक्स में कब दिखानी है, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उसका, ठीक है, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, आप डोमिनोज में अकाउंट्स मैनेजर हो, ठीक है, डोमिनोज पिज्जा, ठीक है, और ये आप बैठे हो मान लो, और आपके पास कस्टमर का कॉल आया आपके पास, या कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास ऑर्डर आया, ठीक है। ऑर्डर आया सपोज करो दोपहर में 3:10 पे, 3 बजे मान लो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीजों को। ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद आपकी गाड़ी जो है, आपके एग्जीक्यूटिव की गाड़ी जो है, ऑर्डर डिलीवर, ऑर्डर प्रिपेयर होना चालू हो गया, प्रिपेयर हो गया, फिर ऑर्डर डिलीवर हो गया, यहां से निकल गया, डिस्पैच हो गया, ठीक है। ऑर्डर डिस्पैच हुआ 3:30 पे, 3:30 बजे दोपहर में, बीच में गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव जा रहा है, ये पिज्जा है इसको लेके जा रहा है, और ये घर है, ठीक है, और घर में वो एग्जीक्यूटिव लेके पहुंचा ऑर्डर को कितने बजे, 4 बजे, ठीक है, और पेमेंट आ गया आपका 4 बजे, पेमेंट आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सेल की एंट्री किस कितने बजे पास करोगे, 3:30 बजे, 3 बजे या 4 बजे। 3 बजे क्या आया था, ऑर्डर आया था, 3:30 बजे हमने डिस्पैच कर दिया था, ऑर्डर बना के भेज दिया था, 4 बजे पहुंच गया वहां पे, ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया। तो अब मुझे बताओ कि एंट्री कब पास करोगे सेल की, सोचो। देखो भाई, यही तो दिमाग लगाने वाली बात होती है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का क्या मेन होता है, टाइमिंग, किस समय एंट्री पास करें, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। सोचो, ये टाइम नहीं होता, ये दिन होते तो आज ऑर्डर आया, परसों डिस्पैच हुआ, 10 दिन बाद पहुंचा, बहुत दूर है ऑर्डर, ठीक है, पिज्जा की जगह कुछ और मान लो आप, तो सोचो आप 10 10 दिन लग जाते हैं कई बार ऑर्डर, तो अपन एंट्री किस दिन पास करें। हो सकता है कि बीच में ईयर चेंज हो रहा हो, तो अगर अपन ने एंट्री किसी और गलती से कहीं और पास कर दी तो ईयर बदल जाएगा सेल्स का। हो सकता है कि अगले साल रिकॉर्ड करनी चाहिए थी सेल, लेकिन पिछले साल रिकॉर्ड कर दी, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कि अगले महीने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी सेल, लेकिन किसी और महीने रिकॉर्ड हो गई है, तो ये सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो अपन को टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू पे ध्यान देना पड़ता है। तो टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू के लिए क्या आपको स्टेटमेंट याद रखना है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब आपकी लाइबिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो आपको काम करना था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे इस केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, जब वो ऑर्डर डिलीवर हो गया, ठीक है। बात किसकी हुई थी, पैसे कब देंगे, जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तब वो डिलीवरी बॉय अपने काम से फ्री हो जाएगा, ठीक है, इस वाले काम से कि भैया मैंने ऑर्डर दे दिया, मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, समझ में आया।
तो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है तभी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक एक पर्सन, एक कार, एक कंपनी है, हुंडई है ना। हुंडई जो है उसने कार बनाई, ठीक है, ये कार मान लो, ये ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो कार बनाई और कार उसने बोला मैं 5 लाख की बेचूंगा, क्लियर। अब आपको पता है कार जब कोई पर्सन लेने जाता है, या आप कार लेने गए, ठीक है, या आप, तो आपको कार के साथ साथ क्या मिलती है, 1 साल की वारंटी, प्लस क्या मिल रहा है, कार, और आपको कितने रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं टोटल। क्या ये हुंडई वाला जो है कार की रेवेन्यू आपको कार देने के बाद बुक कर सकता है क्या? कार भी दे दी आपको, पेमेंट भी आ गया, तो एंट्री, सेल की एंट्री डाल दे हुंडई वाला, पूरी की पूरी 5 लाख से नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि इस 5 लाख के अंदर दो कंपोनेंट है, उसने 5 लाख रुपए दो चीजों के लिए हैं, इसके, एक तो कार के और एक सर्विस की। बोला था ना मैंने कि आपको कार की सर्विस भी फ्री दे रहा हूं। कार की सर्विस कितने टाइम तक फ्री दे रहा है, सपोज करो 2 साल तक फ्री देगा, ठीक है। तो हुंडई वाले को पता है कि मैं, अब देखो कोई चीज फ्री में तो होती नहीं है, हुंडई वाले को पता है मैं कार के सपोज करो 4 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं, और ये जो फ्री सर्विस मैं दे रहा हूं उसके टोटल 2 साल के 1 लाख रुपए इंक्लूडेड है 5 लाख के अंदर। तो हुंडई वाला क्या करना चाहिए उसको, कायदे से उसको 4 लाख रुपए की एंट्री हैंड टू एंड रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो हैंड टू एंड बुक कर देनी चाहिए, सेल्स जो है वो एंट्री डाल देनी चाहिए आज की आज। लेकिन ये जो सर्विस है, ये सर्विस जो 2 साल के अंदर अंदर करके देगा वो नेक्स्ट, इसकी रेवेन्यू उसको 1 लाख रुपए आज बुक किसी भी केस में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इसके अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कार के कॉन्ट्रैक्ट बेचने के अंदर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कार बेचना। भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, एक तो कार बेचेंगे, दूसरा सर्विस देंगे। तो सर्विस देने में कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, ठीक है। तो अब तरीका क्या होगा इसका, 1 लाख रुपए टोटल कीमत है, डिवाइड बाय आप 24 महीने कर दो, ठीक है। अब एक बार के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, आप अमाउंट मान लो 4,000 रुपये आया, 1 लाख डिवाइड बाय 24, ठीक है, ऐसे मान लो आप, आ गया कितना, 4,000 रुपीज। अब ये जो हुंडई वाले हैं, 4 लाख की तो रेवेन्यू हैंड टू हैंड बुक कर दी, अब रेवेन्यू 4,000 की हर महीने बुक करेंगे, कब बुक करेंगे, जब सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या, क्योंकि बात केवल कार देने की नहीं हुई है, कार के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने की भी हुई है। तो रेवेन्यू ध्यान रखना कब बुक करी जाती है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होता है, और कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो मान लो जैसे हमने आपसे फीस ली 30,000 की, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला हम आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और हमने बोला पार्ट 1 के भी करेंगे और पार्ट 2 के भी करेंगे, हमने बोला लेकिन 30,000 रुपये आपको अभी के अभी देने पड़ेंगे, आपने दे दिए, तो क्या हम वो 30,000 की रेवेन्यू हैंड टू हैंड बुक कर दें क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको पहले पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, फिर पार्ट 2 पढ़ाएंगे, तो पहले पार्ट 1 की रेवेन्यू अलग बुक होगी, पार्ट 2 की रेवेन्यू अलग बुक होगी। सो देर आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड देन ओनली वी कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा, आप 12th क्लास याद करो, आप सबसे पहले क्या लिखते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? क्या ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, सेल्स होता है और कुछ नहीं होता। सेल्स, सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इनकम मान लो आप, और तो क्या, रिसिप्ट फीस की। एक्सपेंसेस और इनकम्स, या एक्सपेंसेस और लॉसेस, या इनकम्स एंड गेन्स, इसको किस बेसिस पर दिखाते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। अब एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल?
मैंने आपको कहा था बच्चों के स्टूडेंट्स के आप है ना एक बार 11th क्लास की बुक को देख लेना। अगर आप 11th क्लास की बुक नहीं देखना चाहते तो मैंने YouTube पे एक सीरीज बना रखी है, आपको मिल जाएगी वो, फाउंडेशन लर्निंग नाम से एक चैनल है मेरा, उस पर आप देख सकते हैं। आपको CA फाउंडेशन अकाउंट्स नाम से 10-11 वीडियोस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनको देखो, आधे आधे घंटे के लेक्चर है, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, उससे आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा बैलेंस शीट तक का एक बार सारा का सारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल, 11th क्लास के अंदर आता है मैचिंग प्रिंसिपल। अब कई, अब आप बताओ मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब आप बोलोगे सर जब इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर देते हैं तो मैचिंग होता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब असेट और लाइबिलिटी मैच हो जाती है तो उसे मैचिंग बोलते हैं, लेकिन बताओ कौन सा जवाब सही है। सर दोनों की दोनों जवाब गलत है। क्यों? व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब ध्यान सुनना। अच्छा, अगर आप इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर दोगे तो पता है क्या होगा, प्रॉफिट कितना आएगा? जीरो। तो ये तो आंसर वैसे ही गलत हो गया, समझ में आया? हमेशा ऐसे थोड़े होता है, जीरो प्रॉफिट आता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कि जिस पीरियड में मैं रेवेन्यू दिखा रहा हूं, जिस साल में मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी ईयर के अंदर मैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा। अगेन रिपीटिंग, जिस ईयर में मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनकम दिखा रहा हूं, इनकम और रेवेन्यू को मैं यहां पे एक ही बात बोल रहा हूं, ठीक है, एक ही बात मान के चल रहा हूं, जिस ईयर में मैं रेवेन्यू दिखा रहा हूं उसी ईयर में मैं उससे रिलेटेड खर्चे रिकॉर्ड करूंगा, उसे बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। सर थोड़ा और समझाओ ढंग से, ध्यान सुनना, मैं आपसे कहता हूं आपने एक दुकान खोली, ठीक है, उस पर आप क्या करोगे, शर्ट्स बेचोगे, शर्ट्स सेल करोगे, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। एक शर्ट जो है वो 100 रुपए की आती है और आपने कितनी शर्ट खरीदी है, 80, ये आपने परचेज करी है, ठीक है, अच्छे से ध्यान समझना है ना, कितनी शर्ट खरीदी बताओ, 80 शर्ट खरीदी है और एक शर्ट कितने की आती है, 100 की आती है, आप क्या करोगे, शर्ट्स को बेचोगे। आपका एक दिन पूरा निकल गया, ठीक है, शाम तक आपने एक शर्ट जो बेची है वो 200 की बेची है, सिंपल फिगर ले रहे हैं अपन, ठीक है, 100 की खरीदी थी, 200 की बेची, आपने अच्छा खासा मार्जिन लिया, 100 रुपए मार्जिन ले लिया प्रॉफिट, लेकिन आपने कितनी शर्ट बेची, 60 शर्ट बेची, तो कितने रुपए की शर्ट बेच दी आपने, 12,000 की। आपने खरीदी कितने की शर्ट थी, 8,000 की। क्या आप बच्चों ये बोल सकते हो क्या कि सर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4,000 का, ऐसा बोल सकते हो? अगर आपने ये बोला तो आप गलत हो। क्यों? आप चीजों का बेस सेम नहीं कर रहे हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि बेस सेम करने के बाद ही चीजों से कंपैरिजन करो। आप यहां पे इनकम कितने की दिखा रहे हो, 60 शर्ट्स की, लेकिन आपने खर्चा कितने का दिखा दिया, 80 शर्ट्स का। तो बेटर क्या है तरीका, ये आप मान लो इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, अपना ट्रेडिंग बनाते हो, स्कूल्स में बनाते थे ना आप ट्रेडिंग, तो टू आप परचेज लिखो, परचेज कितनी लिख दो, 80 शर्ट होगी, कितनी हो गई, 8,000 बाय सेल्स लिख दो, ने 8,000 की सेल कितनी करी है, 12,000 की, ठीक है, 200 × 60, तो आपको क्या करना चाहिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट का दिखाओगे, 20 शर्ट्स का दिखाओगे, और एक शर्ट कितने में खरीदी है, 100 रुपए की, तो कितने का क्लोजिंग स्टॉक, 2,000 का। आपने पढ़ा होगा स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं, बाद में अपन अच्छे से और समझेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 6,000 आएगा, सही है, नहीं है, इसको आप जीपी बोलते हो। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से और बताऊं आपको, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, भाई आपने शर्ट्स कितनी खरीदी थी, 80, एक शर्ट कितनी खरीदी थी, 100 की, ठीक है, तो 8,000 की खरीदी, आपने 80 शर्ट्स बेच दी, हर शर्ट पे बेचने पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 100, ठीक है, सॉरी 60 शर्ट्स बेच दी,
तो हर शर्ट्स पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ 100, तो 60 इंटू 100 सिंपल प्रॉफिट कितना हुआ 6000 का। भाई आपने 60 शर्ट बेच दी और हर शर्ट पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 का हो रहा है, 200 माइनस 100 सिंपल। ठीक है, आई होप कि ये बात है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को अपन किस बेसिस पे दिखाते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल में दिखाते हैं। कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में। हमेशा ध्यान रखना मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जिस ईयर में अपन इनकम दिखा रहे हैं उसी ईयर में अपन उससे रिलेटेड क्या दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ऐसा कभी मत बोलना, कई बच्चे बोल देते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करने को मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये एक आपका सिंपल सा फॉर्मेट है किसका, इनकम स्टेटमेंट का। पहले सेल्स दिखा दी आपने, इसी को आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल देते हो 12th क्लास में। ठीक है, फिर सीओजीएस आ गया, सेल्स माइनस सीओजीएस आपको पता है जीपी होता है। जीपी में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंस आपने लेस कर दिए, ऑपरेटिंग इनकम आ गई, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम ऐड कर दी, इंटरेस्ट खर्चा लेस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेंस का आपने, एक्सपेंसेस और गेंस का आपने ट्रीटमेंट कर दिया, इनकम फ्रॉम कंटेनिंग ऑपरेशंस आ गया। ठीक है, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसे कंटेनिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। फिर इनकम टैक्स लेस कर दिया, फिर इनकम आफ्टर टैक्स आ गया, बिफोर टैक्स था ये आफ्टर टैक्स आ गया। फिर अब अपन ये पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्क, अब क्या अपन ऐड कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। अगर आपका प्रॉफिट है गेन है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से तो अपन ऐड कर रहे हैं, और अगर लॉस है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से तो अपन इसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन समझेंगे कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है। अभी आप इतना समझ लो कि मान लो आपके दो बिजनेस हैं या तीन बिजनेस हैं, एक सपोज करो आपका बिजनेस है मोबाइल का, एक आपका बिजनेस है लैपटॉप का, ठीक है, और एक आपका बिजनेस मान लो कार का। तो आपको लगता है कि मेरा कार का बिजनेस क्या है सही नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप उसको बंद करने की सोच रहे हो, तो इस बंद करने वाले बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूड कंपोनेंट, और बाकी दोनों क्या है, कंटिन्यूड कंपोनेंट। क्लियर, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए मैंने लगाया है क्लोज्ड। ठीक है, तो इससे आप शॉक में ना आओ, तो अपन समझ रहे हैं व्हाट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ध्यान समझना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, अगर कोई कंपनी डिस्पोज करती है कंपोनेंट का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, सेल करना या बंद करना किसी भी तरीके से, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, स्ट्रेटजिक शिफ्ट होता है, भाई स्ट्रेटजी क्या होती है, एक तरीके से मेजर प्लान, बड़े प्लान को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिक शिफ्ट है आपका, आप स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो अपने बिजनेस को एक कंपोनेंट बंद करके। तो कंपोनेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ मैनर अदर देन सेल लाइक स्पिन ऑफ। ठीक है, तो अपन कंपोनेंट को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, सेल के तरीके से भी कर सकते हैं और अदर देन सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या होते हैं ये अपन समझते हैं, कंपोनेंट ज्योग्राफिकल भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट बेसिस पे भी हो सकते हैं। ध्यान समझना, ध्यान से समझो क्या है ज्योग्राफिकल बेसिस, मतलब एक कंपनी है सपोज करो यूनिलीवर लिमिटेड, वो यूके बेस्ड कंपनी है, उसकी एक कंपनी है अमेरिकन यूनिलीवर लिमिटेड और एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये बताओ अमेरिकन और हिंदुस्तान ये उसने कंपोनेंट डिवाइड कर रखे हैं, ये किस बेसिस पे है? सर ये ज्योग्राफी के बेसिस पे है। ज्योग्राफी क्या होता है, एरिया। तो कई बार कंपोनेंट किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड होते हैं। अब मान लो कोई कंपनी है उसके कंपोनेंट हैं कैसे, टाटा टी और क्या है सपोज करो टाटा की कार्स आती है, व्हीकल्स आते हैं टाटा के। अब ये क्या है बताओ, ये ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया गया, नहीं, ये प्रोडक्ट्स के हिसाब से कंपोनेंट डिवाइड करे हैं। तो कंपोनेंट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी मतलब एरिया वाइज, और कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट वाइज। तो अपन ज्योग्राफिकल कंपोनेंट भी बंद कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज कंपोनेंट भी बंद कर सकते हैं। क्लियर, जैसे टाटा ने क्या किया था, नैनो के प्लांट्स को शट डाउन कर दिया था। तो उसने क्या किया, टाटा ने नैनो कार के प्लांट को जब शट डाउन किया तो वो कह सकते हैं प्रोडक्ट बेसिस पे वो शट डाउन कर रहा है। क्लियर, तो गेन या लॉसेस
रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच गेन और लॉसेस अकर्ड। अगर आप किसी भी टाइम पे अपने बिजनेस को बंद करते हो, कंपोनेंट को बंद करते हो, तो उसका लॉस या प्रॉफिट किस साल रिकॉग्नाइज करते हैं? जिस साल वो लॉस या प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब किस कंडीशन में कहेंगे कि भाई आपका बिजनेस जो है वो क्या है, हेल्ड फॉर सेल है? किस टाइम आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, ये कब पता लगेगा? जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जैसे मैनेजमेंट कमिट्स टू प्लान टू सेल द एंटिटी। मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक प्लान बनाया है, ठीक है, और वो मैनेजमेंट उस प्लान से कमिटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट ये नहीं कि मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, तो उसे अपन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहेंगे। भाई देखो, दो बातें होती है, या तो आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, या आपकी प्लानिंग पूरी की पूरी हो चुकी है। बंद कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, तब तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ही, कंफर्म है वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो ही गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो प्लानिंग अपनी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई प्लानिंग, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, कमिट है उस प्लान को लेके कि हाँ मैं बिजनेस बंद करूंगा। तो अपन क्या मान सकते हैं कि बिजनेस क्या है, हेल्ड फॉर सेल है, कंपोनेंट जो है उसका हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है, द एंटिटी इज सोल्ड, द एंटिटी टू बी सोल्ड इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, मतलब कि वो इमीडिएटली उसको बेचने के लिए तैयार है। क्लियर, कमिटमेंट भी है और वो इमीडिएटली उसको बेचने के लिए तैयार है। ये कंडीशंस बता रहे हैं कि किस केस में आपका कंपोनेंट हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा। अगर हेल्ड फॉर सेल है तो तभी उसको अपन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलेंगे। एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर एंड अदर एक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्लान टू सेल द एंटिटी हैव बीन इनिशिएटेड। मतलब क्या, एक आपने प्रोग्राम चला के रखा है कि भाई हम बायर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई आप केवल आपने बोला हाँ कागजों के अंदर कि हम अपना कंपोनेंट बेचेंगे, लेकिन आप किसी कोई बायर आता है आपके पास तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो बेचने के लिए, तो लोगों को दिखाने के लिए बस आप कह रहे हो केवल। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक पूरा प्रोग्राम, एक्टिव प्रोग्राम चला रहे हो, जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, ठीक है, आप टीवी में ऐड दे रहे हो, सोशल मीडिया पे ऐड दे रहे हो कि हम अपना ये कंपोनेंट बंद करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। द सेल इज प्रोबेबल विद इन 1 ईयर। सेल कितने साल के अंदर प्रोबेबल हो सकती है? विद इन 1 ईयर। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, अनलेस इवेंट बियॉन्ड द एंटिटी कंट्रोल अकर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो सेल 1 साल से ज्यादा टाइम ले गया, वरना तो वो 1 साल में हो जाता। एक्शंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्लान टू सेल द एंटिटी मेक इट अनलाइकली डेट प्लान विल बी विड्रॉ और सिग्निफिकेंटली चेंज। इसका क्या मतलब है कि कंपनी के एक्शंस देखने पे ऐसा लग रहा है कि जो प्लान है कंपनी का वो क्या है, विड्रॉ होगा। ठीक है, कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, इस जोरों शोरों में काम कर रही है अपने बिजनेस को बेचने का, अपने कंपोनेंट को बेचने का, कि वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो कंपनी उस प्लान को विड्रॉ करेगी। ठीक है, तो इस केस में करेंगे क्या, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका बिजनेस क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, तो आपको उसको कंटिन्यूड ऑपरेशन से अलग दिखाना है। कैसे अलग दिखाना है, देखो आपने ही बनाया था ना, ये सारी देखो इनकम किसकी थी, यहां तक ये सब कंटिन्यूड ऑपरेशंस था, लेकिन यहां से देखो क्या चालू हुआ, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो मान लो आप, ये आपके 3 बिजनेस थे ना, कौन कौन से थे बताओ, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और कार्स। तो आपको लगता है मोबाइल और लैपटॉप का बिजनेस तो आपका बढ़िया चलेगा, तो आप उसको मर्ज करके इसमें दिखा दो। ठीक है, इधर दिखा दो, सेल्स दोनों की मर्ज कर दो, मोबाइल और लैपटॉप की। लेकिन आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर का बिजनेस जो है वो ठप होने वाला है, तो उसका नेट गेन या लॉस जो भी निकला वो डायरेक्टली आप इधर प्लस या माइनस कर सकते हो। गेन होगा तो प्लस कर दो, ऑब्वियसली बात है, लॉस होगा तो माइनस कर दो। ठीक है, और उसमें अगर गेन है तो इनकम टैक्स जो लगेगा वो लेस कर दो आप। ठीक है, भाई आपका प्रॉफिट आ रहा है सपोज करो 10 लाख का उस बिजनेस से, कार वाले से। ठीक है, तो आप क्या करो, 10 लाख माइनस 30% टैक्स है, तो आप 10 लाख यहाँ पे लिख दो, 30% मतलब 3 लाख यहाँ पे लिख दो, तो आपका कितना बचेगा नेट, 7 लाख, और उसको फिर कंटिन्यूड ऑपरेशन में प्लस कर दो। क्लियर, क्या आपसे इतना बड़ा प्रैक्टिकल नहीं पूछूंगे, लेकिन एक थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए कि वॉट इज कंटिन्यूड ऑपरेशन एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट जो अपन या तो बेच देंगे या बेचने वाले हैं, बेच दिया है या बेचने वाले हैं। ठीक है, और कैसे पता लगेगा बेचने वाले हैं, ये कंडीशन टू बी कॉल्ड एज हेल्ड फॉर सेल। कब कहेंगे अपन कि वो हेल्ड फॉर सेल है,
कि या तो मैनेजमेंट ने पूरा मैनेजमेंट पूरा कमिटेड कमिटेड होना चाहिए, इमीडिएट सेल के लिए वो चीज रेडी है, एक्टिव प्रोग्राम अपन ने ढूंढने के लिए कर दिया है, बायर को सेल हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, और अपन एक्शंस को अपने विड्रॉ नहीं करने वाले, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ भी हो, लेकिन अपन क्या है उसको बंद नहीं करेंगे, काम करते रहेंगे। और इस केस में लास्ट बात क्या है कि सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई ऑपरेशंस आपका क्या है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, ठीक है। रिक्लासिफिकेशन इन द प्रायर पीरियड आल्सो टू मेक अकाउंट्स कंपैरिजिबल। आपको समझ में आया क्या मतलब है इसका, समझ के बताओ क्या मतलब है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा है, बताओ जरा सोच के क्या कह रही है लास्ट लाइन, नोट क्या कह रहा है। रिक्लासिफिकेशन इन द प्रायर पीरियड ऑल्सो टू मेक अकाउंट कंपेरेबल। आपको याद है आप 11, 12th में क्या करते थे, हमेशा 2 सालों के अकाउंट कंपेरिजन में आपको दिखा रखे होते थे कई बार, बहुत बार, जैसे ये 2019 मान लो और ये 2018 है, कितने तरह के बिजनेस थे आपके, चौक सॉरी चौक क्या वो कार, लैपटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर और एक और था ना मोबाइल, ठीक है। तो आपका 2018 में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम कार बिजनेस को बंद करेंगे, तो आप क्या कर रहे थे, सेल्स तीनों की कंबाइंड दिखा रहे थे, सीओजीएस दिखा रहे थे, जीपी दिखा रहे थे, एक्सपेंसेस दिखा रहे थे, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम इंटरेस्ट वगैरह ऐड कर रहे थे, इंटरेस्ट लेस भी कर रहे थे, इनकम है तो ऐड कर रहे थे, एक्सपेंसेस तो लेस कर रहे थे, कोई नॉन ऑपरेटिंग है तो उसको भी एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूड ऑपरेशन इनकम आ गई थी, फिर टैक्स लेस कर दिया आपने और ये, तो उस टाइम पे कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था क्या, नहीं था, तो उस टाइम पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अपना नहीं था, 18 में नहीं था ना, लेकिन 19 में क्या हुआ, 19 में अपन ने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया, क्या का हो गया, कार, कि अपन कार को बेचने वाले हैं या बेच दिया है। अब मुझे एक बात बिल्कुल सोच के बताओ आप ढंग से, अब अच्छा लगेगा क्या ऐसे अपन करेंगे, तो 2019 में अगर मैं केवल 2 चीजों की सेल दिखा दूं, किसकी, लैपटॉप और मोबाइल की एक साथ यहां पे, और 18 में मैंने तीनों चीजों की सेल को मिला के दिखा रखा था, है ना, और अकाउंट्स तो आप ऐसे पता है आपको दोनों सालों के दिखाए जाते हैं कंपेरिजन करने के लिए, क्या कोई पर्सन कंपेयर कर सकता है, ये केवल 2 बिजनेस की सेल है, यहाँ पे 3 बिजनेस की सेल है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो क्या करना चाहिए मुझे, 19 में तो 2 की दिखानी पड़ेगी, तीनों की तो एक साथ मर्ज करके दिखा नहीं सकता, लेकिन 18 के अंदर मैं क्या करूंगा, वापस से, है ना, वापस से छेड़खानी करेंगे अकाउंट्स के अंदर, और ये जो 3 बिजनेस की सेल थी इसके अंदर 3 बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, ये सब जितने 3 बिजनेस के थे उसको भी क्या करूंगा 2 के कर दूंगा, तो कौन कौन से, लैपटॉप और मोबाइल, और लास्ट के अंदर किसको दिखा दूंगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को दिखा दूंगा 18 के अंदर। ये केवल एक्सरसाइज क्यों हो रही है, ताकि अकाउंट्स को कंपैरिजन कर पाए, वरना 18 और 19 के अकाउंट्स अपन डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। वापस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, मुझे 18 और 19 के अकाउंट्स कंपेयर करने हैं, तो ऐसे कंपेयर कर लेंगे क्या कि यहाँ पे 3 बिजनेस है, यहाँ पे 2 बिजनेस है, ऐसे कंपेयर हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना, तो मुझे यहाँ पे भी 2 बिजनेस दिखाने पड़ेंगे, लेकिन 18 में तो केवल अपन ने पहले 3 बिजनेस दिखा रखे थे तीनों को जोड़ के, तो अपन क्या करेंगे, अब 2 को तो ऊपर दिखा देंगे, ठीक है, और 1 को नीचे दिखा देंगे, सिंपल बात है। ये अपन को रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यही बात लिखी है, रीक्लासिफिकेशन इन द प्रायर पीरियड ऑल्सो टू मेक अकाउंट्स कंपेरेबल। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो बेनिफिट्स क्या है, बिल्कुल जनरल बात है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए काम में आता है, ठीक है, अपन ने देखा था ना, पोजीशन बताओ कौन बताता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है, परफॉर्मेंस, सिंपल बात। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, लिमिटेशन क्या है, बहुत सारी अजम्पशंस हैं, ठीक है, अजम्पशंस अपन ने डिस्कस करी थी जैसे आपने डेप्रिसिएशन लगाते समय एसेट की लाइफ को अज्यूम करते हो आप, असेट की स्क्रैप वैल्यू भी इवन डेप्रिसिएशन लगाते समय अज्यूम करी जाती है, ठीक है, डिफरेंस इन अकाउंटिंग मेथड्स लाइक डेप्रिसिएशन, जजमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, जजमेंट होता है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी जजमेंट है एक, ठीक है, तो इसलिए कई बार क्या है अकाउंट्स को अपन कंपेयर, अकाउंट्स की अपन ढंग से कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी अपनी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, जैसे वहां पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं रिकॉर्ड कर पाते थे ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ऐसी चीजें अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाते इनकम्स होते हुए भी अपनी, ठीक है, जबकि अपनी सुपीरियर है किसी पर्सन से, फिर भी अपन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे,
तो बस आज के लिए इतना पढ़ लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस मेरा यही आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, प्लीज इसको वापस से गो थ्रू करिए, पूरा वीडियो वापस देखिए, कोई डाउट है तो आप उसको अक्यूमुलेट करके रखिए, ठीक है, आप आराम से उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।